हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए अभी बजे शाम के 5:30 और वैष्णवी जा रही है पूजा करने। देखिए उसने पूजा के लिए बत्ती कितनी अच्छी बनाई है। शुद्धम के शिवम कृष्ण दामोदरम हम नारायणम केवलम। कौन वैष्णवी क्या कर रही है? बस मूंगफली खा रही हूँ बैठ के। और ये हीटर सेक रही है। अभी कुछ बता रही थी तू? क्या कुछ बता रही थी? अच्छा, एग्जांपल मैंने ना उससे बोला कि यार उसने पहले खुद से बोला यार मैं तेरा एक बार बताऊ तो किसी को पता ही होगा। नाम क्या है तेरी फ्रेंड? पूर्णिमा। और उसने वो मैंने तो गॉड प्रॉमिस करा ली। मैंने बस बोल दिया प्रॉमिस है प्रॉमिस। प्रॉमिस तो तोड़ा ही जाता, मैंने तोड़ दिया प्रॉमिस अपने मम्मी पापा को बता कर। अब ये बता देती हूँ कि क्या बोला था उसने। उसने बोला कि मेरे पापा मेरी मम्मी से डरते हैं। और मैंने भी उसे अपनी सच्चाई बता दी। मेरी भी सच्चाई वही थी। क्या कर रही थी तू? मम्मी यार मैंने ना एक वीडियो में देखा कि हम वो था दही टोस्ट, आप बनाओ। वैष्णवी को खाने हैं दही टोस्ट, तो उसके लिए लिया है हमने 1 कटोरी दही, और इसमें ये ले लिया हमने स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर एंड थोड़ा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद में हरा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला के एक इसका बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अभी हम एक तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और इसमें ऐड कर लिया हमने 1 pinch मस्टर्ड सीड्स। ये अच्छे से क्रैकल हो जाए फिर इसमें ऐड कर लेंगे हम करी लीव्स। करी लीव्स आपके पास फ्रेश हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, आपने ड्राई करके रखे हुए हैं उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम तड़के को अपने बैटर में ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, और हल्का सा मिक्स कर देंगे इसी तरीके से बिल्कुल। अभी हम ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। हम फिलहाल अभी ले रहे हैं ब्राउन ब्रेड, क्योंकि ब्राउन ब्रेड बहुत ही हेल्दी होता है और हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो हमने इसको अच्छी तरीके से अपने बैटर में डिप कर लिया, और इधर हमने पैन में रिफाइंड ऑयल हल्का सा ऐड कर लिया है, और इसके ऊपर हमने ब्रेड को स्प्रेड कर दिया। दोनों साइड से प्रॉपरली अच्छे से कुक हो गई है ब्रेड। अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से प्याज और चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। सच में ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना था, और एक बार ट्राई ज़रूर करें इस नाश्ते को हमारी तरीके से। और वैष्णवी की भाई फरमाइश की डिश थी तो उसका टेस्ट करना तो बनता है, तो उसने टेस्ट करके बताना है, उसका रिएक्शन देखते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया, उसने पास कर दिया। और ये वीडियो हमारे यहाँ क्रिसमस ट्री फेयर लगा हुआ है, उसका हमने पूरा वीडियो डाल दिया था। ये क्लिप हमारे पास रह गई थी, क्योंकि ये जो सर्कस लगा हुआ है जू टाइप में, ये हम नहीं गए थे देखने के लिए, ये बच्चे और उनके पापा गए थे देखने के लिए। ये वो प्रजातियाँ हैं जानवरों की जो विलुप्त हो गई हैं, शायद उनका ही कुछ जू टाइप से लगा हुआ था। ये बिल्कुल नई चीज़ थी तो हमें थोड़ा डर लग रहा था। अब बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे देखने के लिए, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ और इनको दिखा लाओ। तो आपके साथ साथ हम भी देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमने भी नहीं देखा था ये सब। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कौन कौन सी प्रजातियां हमारे यहाँ विलुप्त हो चुकी हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, सच में बहुत ही एक्साइटेड वीडियो, हमने अभी भी पूरा देखा है और बहुत ही अच्छा है। One, two, three.
अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।